नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता लेनेस्ट मलाड से। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में आजकल यंग लड़कियां जो इसके बारे में सुनती हैं और बहुत कॉमनली इसका शिकार होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 में से 6 में से एक लड़की हमारे पास आती है जो कहती है कि हमें ये प्रॉब्लम है। होता क्या है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, होता क्यों है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, क्या दिक्कतें आती हैं हमारे शरीर में और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे कैसे हो सकता है, ये प्रश्नों के उत्तर आज हम इस सेशन में देखेंगे। नॉर्मली किसी भी स्त्री में अंडाशय ओवरीज में बनता है और हर महीने हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस से जो ब्रेन से निकलते हैं ये अंडा धीरे 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 पनपता है। 14वें 15वें दिन साइकिल पे वो रिलीज होता है एग, और उसके बाद में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो 2 हफ्ते बाद में उसे मेंसेज आ जाता है। सो महीने की जो ये साइकिल है हर 28 डेज की या 1 महीने की वो चलती रहती है, और वो इसलिए चलती है क्योंकि फॉलिकल ग्रो होता है, अंडा रिलीज करता है और उसके बाद में हॉर्मोन चेंजेस होते हैं। पर ये जो हॉर्मोन्स हैं जो इस अंडे को स्टिमुलेट करते हैं बनने के लिए, अगर उनके अंदर उनकी मात्रा में अगर गड़बड़ आ जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, अगर उनके हॉर्मोन्स जो अंडा बनाता है उसका लेवल जैसे कि LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन अगर बढ़ जाता है सो अंडा ठीक से पनप नहीं पाता है। एक की जगह बहुत सारे अंडे बनने चालू हो जाते हैं और कोई भी अंडा जो होता है वो फॉलिकल जो है वो एग को रिलीज, ओवम को रिलीज नहीं करता है। इस वजह से वो सिस्टिक चेंज आ जाते हैं और इसे कहते हैं पॉली, मतलब बहुत सारे सिस्टिक, मतलब बहुत सारे सिस्ट ओवरी में तैयार हो जाते हैं। तो जब हम ओवरी को देखते हैं तो उसमें एक या दो फॉलिकल की जगह बहुत सारे सिस्ट दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मोतियों की माला लगी हुई है सोनोग्राफी की इमेज के अंदर। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, हो क्या रहा है हमारे शरीर में जब पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है। एक, जैसे मैंने समझाया कि आपका हॉर्मोन बराबर नहीं बन रहा है। दूसरा, मैंने समझाया कि आपका अंडा बराबर नहीं बन रहा है। तीसरा, आपके शरीर की जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है ओवरी की जो जगह होती है वहाँ पर एंड्रोजन नाम का जो पदार्थ है जो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है स्त्रियों में कम, वो बढ़ने लग जाता है। और स्त्रियों का जो हॉर्मोन है एस्ट्रोजन जो तैयार होकर एग को स्टिमुलेट करके मदद करना चाहता है वो लेवल इसके रेशियो में कम हो जाता है। इस वजह से इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं। तो ये तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि आपके शरीर में शुगर का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो सारा का सारा जो स्टोर होना होता है वो चर्बी में कन्वर्ट होकर चर्बी में रह जाता है और वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। सो ये चार मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा अंडाशय की जो क्वालिटी है वो गिरने लग जाती है। तो इसका सिम्टम्स क्या आते हैं, पहला सिम्टम कि आपकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है, एक एक दो दो महीना तक महीना नहीं आता है, और अगर महीना आता है तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाता है और इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा सिम्टम जो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट है, यानी जो पुरुष हार्मोन है वो बढ़ने की वजह से साइड इफेक्ट है, और वो क्या क्या है, एक्सेसिव ऑयली स्किन, पिंपल या एक्ने होना, हिर्सुटिज्म मतलब फेशियल हेयर ज़्यादा आना, पेट पे आपके हेयर ज़्यादा आना, हाथों पैरों में ज़्यादा आपको वैक्सिंग कराने की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके एंड्रोजन एक्सेस से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आपका जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो एंटर हो जाता है, इस वजह से भी आपका वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तरफ वजन ज़्यादा होता है तो पीसीओडी बढ़ता है, पीसीओडी बढ़ता है तो वजन ज़्यादा होता है। तो ये तो मुर्गी पहले अंडा पहले वाला किस्सा हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़ते रहते हैं और प्रॉब्लम आ जाता है। चौथा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप प्रेगनेंसी या बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो होना कठिन हो जाता है, यानी अंडा ही नहीं बनेगा तो बच्चा कैसे ठहरेगा। ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं हमारे शरीर में, ये इसलिए हो रही है कि आपके क्वालिटी ऑफ एग बराबर नहीं हो रहे हैं, आपको टॉक्सिन्स के एक्सपोजर ज़्यादा हो रहे हैं। अगर यंग लड़कियों में सिगरेट का सेवन या अल्कोहल का सेवन या अदर टॉक्सिन्स का एक्सपोजर होता है तो ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है। स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब है, रात को देर रात तक बैठ के मोबाइल पर बैठ के आप चैट कर रहे हैं या व्हाट्सएप देख रहे हैं, आधी आधी रात तक पिक्चरें देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आपका साइकिल रिदम पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और लाइफस्टाइल का भी इम्पैक्ट आपके ओवरीज पे होता है। Sometimes it is also because of exposure to some genetic causes and that can, ये मत यानी कि ये genetic abnormality की वजह से भी ऐसा हो सकता है, but इसका कारण ढूंढ पाना मुश्किल है। So हमारे जीवन पे polycystic ovary का अलग अलग समय पे अलग अलग impact होता है। Young age में आपका cycle irregular होना या आपके cosmetically look पे disturbance आ जाना, अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, अगर यू नो गर्भ धारण करना चाहते हैं तो आपका fertility disturb हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डायबिटीज़ के रिस्क आपके ज़्यादा हो जाते हैं और ओल्ड एज में एंडोमेट्रियल का जो कैंसर है उसके चांसेस होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से आपको अपने पॉलीसिस्टिक ओवरी को
कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा और आपके डॉक्टर से सहायता लेनी पड़ेगी, चाहे वो आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट जिससे स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व करो, चाहे वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट जिससे आपकी फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी या इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसको प्रॉब्लम करो। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी को नज़रअंदाज ना करें, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसका इलाज सिस्टमैटिकली प्लान करना पड़ेगा, अन्यथा ये चीज़ आपके जीवन में बहुत दुखदायी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।